भैया पीछे आइए। अगर आप सभी भी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे तो हम एक साथ ईश वंदना में सम्मिलित हो पाएंगे। अस्तो मा सद्गमे तत्सो मा ज्योतिर्गमे मृत्यु मा अमृतगमे हमारे पास से प्रकाश को मेरा पहले श्लोक सुने हमें। भाई साहब अरे अरे सामने पीछे कैमरा चल रहा है। नमस्कार, लोग पहले से प्लान के आए हैं क्या क्या करना है। हम ये प्लान नहीं, आप तो कई दिन से प्लान में हैं। मंत्री जी हमारे सामने हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आप आगरा से हैं और आगरा कैसा शहर है ये सब जानते हैं। लोग ताज देखने जाते हैं, वहाँ के लोगों को भी देखने जाते हैं। तो मंत्री सबसे पहले योगी जी से सर पहला सवाल तो ये कहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे, आपका मंत्रालय क्या कर रहा है। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए और अपने कि आगरा से हैं और थोड़ा सा अपने शहर के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगरा कुछ लोग जाना ही नहीं चाहते क्योंकि तो आगरा में एक हॉस्पिटल भी है और भगवान कह रहा था कि आगरा जाए, उस मकसद से वैसे देखने आए। आगरा एक ऐतिहासिक नगरी है, कई धार्मिक नगरी भी है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर की नगरी भी है। सिर्फ उसे ताजमहल के लिए ना जाना जाए, उसको एक सांस्कृतिक नगरी के रूप में भी जाना जाए, ये हम लोगों का प्रयास है। अब इससे पहले तो सिर्फ ताज नगरी आगरा कहा जाता था, लेकिन आगरा में बहुत इतिहास छुपा हुआ है। बटेश्वरनाथ का मंदिर, आगरा के चारों तरफ महादेव के वो मंदिर जो आगरा के कोतवाल के रूप में जाने जाते हैं, बिल्कुल के मध्य में बनकामेश्वर महाराज, ब्रज की भूमि है आगरा। आगरा तीन शब्दों से बना है, हम उसके अभिवेशन करते हैं। अयोध्यापति प्रभु श्री राम के भक्तों का शहर है आगरा। अच्छी जानकारी। आज से ये कहा था, गंगा जिसके सिर पर विराजती हो, ऐसे काशी विश्वनाथ के प्रतीक जिस शहर में शहर कोतवाल के रूप में रहते हो, ऐसे शंकर का शहर है आगरा। राधिका प्रिय श्री कृष्ण की ब्रजभूमि का अंग है आगरा, इसलिए आगरा काशी मथुरा और अयोध्या का संगम है आगरा। मैं पिछले 25 ईयर से बच्चों को आईटीजी की ट्रेनिंग देता हूँ। पिछले 4 वर्षों से मैंने कुछ निर्धन बच्चों को जिनके पास रिसोर्सेज बिल्कुल जीरो हैं, जो कि यूपी बोर्ड और इस किस्म के स्कूल से आते हैं, उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया और मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतर परिणाम मिले। पहले साल मैंने आज से 4 वर्ष पहले 27 स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। 25 स्टूडेंट्स जो कि आईटी का नाम तक नहीं जानते थे, वो उन्होंने मेरे सामने ट्रेनिंग ली और उन्होंने एनआईटी में सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उनमें से 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आईटी कानपुर में अभी पढ़ रहे हैं, वो 2-3 वर्ष में है और सारे के सारे कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पढ़ रहे हैं। वो ऐसे बच्चे जिनके पास बैग भी नहीं, झूला भी नहीं, बस्ता भी नहीं। मेरा आईटी का एलुमनाई बहुत बड़ा है, मंत्री महोदय मैं उन बच्चों की मदद से उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाता हूँ। आपसे केवल मेरा एक छोटा सा आग्रह है कि मैं यहाँ पर स्कूल्स में जाता हूँ, स्पेशली जहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पर वो सारे लोग शायद उतने संवेदनशील नहीं है कि वो मेरी बात को समझ सके और बच्चों के अंदर उतनी अवेयरनेस नहीं है। आपकी बहुत कृपा होगी मेरे ऊपर यदि यहाँ के विद्यालय में मैं जहाँ भी जाता हूँ उनको केवल एक ही चीज समझ में आती, शासनादेश।
शायद उनके अंदर की जो देश के प्रति इमोशंस हैं शायद वो उतने प्रकट नहीं है। मुझे बस कहीं से यहाँ पर 127 स्ट्रीट विद्यालय है जहाँ से बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं, मुझे बस केवल हर स्कूल से एक एक बच्चा दिलवाने की कष्ट करें, उनकी पूरी पढ़ाई का 2 वर्षों का खर्चा मैं उठाऊंगा और उनको आईटी के अंदर सेलेक्ट करके दिखाऊंगा, ऐसा हमारे स्कूल में करता है। मैं आपसे पहले भी निवेदन करता हूँ, मैं एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था केशव प्रसाद मौर्या जी की तरफ से, उन्होंने कैबिनेट में शायद ये प्रस्ताव रखा हुआ है, उस वजह से शायद आपको पता लगा आपकी बात खटकी ऐसी आपने बताया कि वहां से आई होगी बात। सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपके अंदर संवेदनशीलता है और समाज के प्रति पीड़ा ये बहुत जरूरी है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए कुछ करने का जज्बा जो आप में है उसके लिए प्रणाम आपको। थैंक यू सर। मित्र आपके लिए मैं एक ही 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि मैं अकेला चल पड़ा तारा है मंदिर में मगर लोग यूं मिलते गए और कारवां खड़ा। आप निश्चित मानिए आपके पीछे कारवां खड़ा होगा एक, और ये समाज ऐसे संवेदनशील नहीं है, मैं मानता हूँ समाज को, यदि उसे समझ में आ जाए कि ये सही जगह हमारा पैसा जा रहा है और सही लोग इसको लीड कर रहे हैं तो समाज मुक्त हाथ से दान देता पूरी तरह खड़ा भी होता है, चट्टान की तरह खड़ा होता है। बाकी आप सभी को जो सरकार से अपेक्षा है, मुझे बस मेरा बहुत ही सक्षम इंस्टीट्यूट है जो रन करता है, मुझे किसी भी प्रकार का पॉइंट कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे कहीं से गरीब बच्चे दिलवा दीजिए जिनसे मैं आपके नहीं बच्चे गरीब मैं नहीं दिलवाऊंगा, गरीब बच्चे होना मैं तो ये दिलवाना चाहूंगा देश को। जी जी बिल्कुल। लेकिन आप मुझसे मिलिए, मैं यहाँ के लोगों से बात करूँगा, फिर आपके सामने इतने शिक्षा में बैठे हैं इन लोगों की मदद लीजिए करेंगे। फिर गरीब बच्चे अगर कहीं पर हैं और आप पढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी बात नहीं है, मथुरा में एक स्कूल है मैं उसे देखने गया, मैं 2 साल पहले देखने गया था 20 बच्चे थे, अब के देखने गया उस स्कूल को तो लगभग 250 बच्चे हैं और साधनहीन लोग हैं वो जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, समाज उनको आगे साधन देता है, वो कोई बहुत बड़े लोग नहीं है, बड़े लोग पीछे खड़े हो जाते हैं ऐसे उद्देश्य को जो उद्देश्य बड़ा होता है। तो आप चिंता मत करिए, आप सब लोग खड़े होंगे आपके। थैंक यू। कोई महत्व नहीं, लेकिन जब कोई संतराज की बरसों की साधना शहरी हथौड़े के रूप में उस पत्थर पर चलती है और मूर्ति बनती है तो या तो किसी ड्राइंग रूम की शोभा होती है मंदिर की पूजा का स्थान देती है। तो विद्यार्थी परिषद वही संस्था आशा है आप जय। एक सवाल सर इस तरफ से, पत्री जी आपका बहुत स्वागत कॉम्प्लीमेंट, और मैं अमर उजाला परिवार से ही हूँ, मैं अमर उजाला का एक सेक्शन अपराजिता मैं वो चलाती हूँ जिसमें बहुत ही निम्न वर्ग से लड़कियाँ और महिलाएं आती हैं, हम स्किल डेवलपमेंट पे काम करती हैं। उसी के साथ मैंने एक बहुत बड़ी समस्या पाई है कि बहुत सारी लड़कियाँ 20 साल से ऊपर या बहुत सारी महिलाएं बिल्कुल ही अनपढ़ हैं जिन्हें अपना नाम भी नहीं लिखना आता। तो हमने एक चीज़ की शुरुआत करी है कि हमारे यहाँ ही कुछ बच्चियाँ उन्हें पढ़ाती हैं। मेरी आपसे और सरकार से एक रिक्वेस्ट है या निवेदन कह दीजिए, शायद इस विषय पर किसी ने सोचा नहीं है, अभी तक हम लोग हमेशा साक्षर की बात बच्चों से ही करते हैं कि बच्चे ही साक्षर होने चाहिए, हमने अडल्ट एजुकेशन के पीछे क्या काम किए हैं मैं उसको बहुत ज़्यादा पे नहीं लूँगी, क्योंकि मैं जो अभी आपको से देख रही हूँ मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने बड़े बड़े स्कूल या यूनिवर्सिटीज हमारे साथ आज बैठे हैं यहाँ पर, क्या वो लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो महिलाएं लड़कियां आज स्कूल नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि वो एडमिशन लेने में शर्माती हैं और इतना उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो
क्लासेस ऐसी हर इलाके में कुछ शुरू करें जिससे वो महिलाएं इतनी साक्षर हो जाएं कि कम से कम अपना नाम, अपने घर के लोगों का नाम या फिर कहीं जा रहे हैं तो वो सब कुछ पढ़ सकें। क्या इतना साक्षर बनाने में क्या ये स्कूल और विद्यालय हमारी मदद कर सकते हैं? एक आपने ज्वलंत प्रश्न खड़ा किया है। हम जब युवा थे तो प्रौढ़ शिक्षा का अभियान चला था, सरकार कांग्रेस की थी। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा यहां पर, लेकिन उस समय ये बताया गया कि प्रौढ़ शिक्षा पूरी हो गई, हिंदुस्तान में एक प्रौढ़ शिक्षित हो गए। लेकिन आपकी बातों से लगता है कि प्रौढ़ शिक्षित नहीं हुए, और ये महसूस हम भी करते हैं आपकी बात नहीं कि ऑन पेपर उस समय यह अभियान चला, जिन्होंने चलाया, जिन्होंने चलवाया, कहीं अलग समझौते हुए और ऑन पेपर होता गया। अब वो सरकार राजिका से भी बुरा हूँ मैं। आज इस सदन में आपके समक्ष ये वचन देता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे बताया जाएगा 2 घंटे की क्लास के लिए मैं शिक्षक उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा, पूरा प्रयास। देखिए आप आवाज दीजिए, लोग चल पड़ेंगे। जी हाँ, इसका तो पूरा एक उदाहरण है कि जो चीजें ये कर रहा है तो वाकई बहुत लोग हमारे साथ। धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष मलिक, एक्सिस समूह की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ कानपुर में। जैसे मोदी जी की योजना है अटल इनोवेशन मिशन, केंद्र सरकार में अटल टिंकरिंग लैब सीबीएसई स्कूल में सेटल करी जाती है। यूपी गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी, अच्छी योजनाएं आई योगी जी के आने के बाद। आज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया में टॉप 30 पोजीशन पे आ गया स्टेट। लेकिन मेरा ये मानना है जब तक यूपी बोर्ड के स्कूल्स में उस तरह की लैब्स नहीं आएंगी तब तक और बेटर नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की कोई पॉलिसी जहाँ पे यूपी बोर्ड के स्कूल्स के अंदर इस तरह की लैब सेटअप करने के लिए कोई ग्रांट्स वगैरह देने की कोई पॉलिसी आने वाली है या आए, क्योंकि इसी से स्कूल्स की शिक्षा बेटर हो पाएगी यूपी बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा जो हमारे यहाँ पर है, जिसके लिए मंत्री गुलाब देवी जी हैं, वो इस मामले में बहुत जागरूक हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ही सभी मंत्रियों का डिस्कशन योगी जी से हुआ था। उन्होंने सभी बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा सब मंत्रियों को बुला कर डिस्कशन किया था हर शिक्षा में। उसमें इसमें भी नए आयाम आपको देखने को मिलेंगे। सरकार सोच रही है और करने की, हमारी सरकार सोचती नहीं है करने की, कथनियों का निरंतर नहीं है। संकल्प लेते हैं और संकल्प का विकल्प नहीं होता, इसलिए करके देखते हैं। और किसी बच्चों की तरफ से कोई सवाल आया क्या? किसी बच्चे को अगर कोई सवाल पूछना हो, स्कूल की प्रिंसिपल टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं, अगर उन्हें भी कोई सवाल पूछना हो तो मंत्री जी आज यहाँ पर हैं और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि उनकी गरिमा मई उपस्थिति हमारे बीच में। इसके बाद वो अन्य और किसी काम से बिजी हो सकते हैं, लेकिन आज आपके पास बहुत सारी बातें की। बात बीच में कही सर ने कि जब हम युवा थे, आपने कहा जब मैं युवा था, लेकिन आपका जोश और जज्बा देख के लगता नहीं कि आपका युवा पर गया है। युवा युवा है और आपसे उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से बने रहें और हमारे देश समाज के लिए कुछ करें। यहाँ पर सम्मानित करने के लिए उपस्थित हुए हैं शिक्षक और लोगों से, तो अपने संचालक महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो आगे की प्रक्रिया शुरू करें। आपका दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है आने के लिए। आप लोग तो गंगा के किनारे रहते हैं, आगरा शहर गंगा से बहुत दूर है और आगरा शहर में पानी की विकराल समस्या है। पलायन का शहर बन चुका था, भूगर्भ जल खारा, यमुना का पानी नहीं था, यमुना का यमुनोत्री से नहीं, ओखला और दिल्ली के नालों का पानी था। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, ये शायद राज कपूर ने फिल्म के माध्यम से बताया था
लेकिन किश्त तेरी यमुना वाली हो गई, दिल्ली कोकला के नाले ढोते ढोते ये हमारे किचन और बाथरूम में होता है। ऐसी परिस्थिति में वहाँ भी 125 मिलियन लीटर पर डे पानी लिया जा सकता था, जबकि आगरा को 400 मिलियन लीटर पर डे पानी की आवश्यकता था। तो ये समस्या का शहर था। 2012 में जब मैं चुना गया तो मैंने महसूस किया कि समस्या का निदान होना चाहिए, तो कोशिश की। करता है तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है अलग बात है, लेकिन उनकी कोशिश, उनका कृपा थी, काम मैं कर ले गया। 150 किलोमीटर दूर से प्रतिदिन 350 मिलियन लीटर पर डे जो गंगा जल आगरा में आता है, 9 जनवरी 2019 आगरा वासियों के इतिहास की तारीख बन गया जब मेरे नेता मोदी ने बदन दबाया और यमुना मैया के शहर में गंगा मिला। इसलिए लोग मुझे आगरा के स्नेह से आगरा का भागीरथ कहते हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि करता है तू कन्हैया मेरा नाम। बस ये सामान तो कर रहे हैं, तालियों की गूंज थोड़ी कम है, जोर
वेरी कंग्रेचुलेशन सर, बहुत बधाई है सर। कमल का कृष्ण का सम्मान का 11वां स्वरूप आपका ऐसा हुआ। उनका उत्साह बढ़ा देते हैं, उन्हें भी मेडल्स पहना दें।
भैया मेरे भैया। जहाँ खड़े हैं, जहाँ पर जिम्मेदारी ये है
हम उन सबको पूरा करें। मैं थोड़ा विलंब से आया, इसके लिए क्षमा मांगूंगा आप सबसे, क्योंकि हाउस चल रहा था और रास्ते में कोई जाम भी मिला। वो जाम मैं नहीं करता, दूसरा जाम मिला, उसके लिए माफी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई वही बेवफा नहीं होगा। मजबूरी किसी के लिए हुआ, मुझे आशा है आप क्षमा करेंगे। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आभार करता हूँ।